हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं वायरलेस स्पीकर का। कुछ इस प्रकार का ये स्पीकर है। सो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा मैंने इसे कितने में परचेस किया, क्या इसके फंक्शन एंड साउंड क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वायरलेस स्पीकर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। उससे पहले मैं कुछ बॉक्स कंटेंट आपको बता दूं। आप देख सकते हैं आईसोनिक कंपनी का है ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट वायरलेस स्पीकर। उसी के नीचे म्यूजिक आप देख सकते हैं रेडियो, उसके बगल में TF कार्ड, USB, वायरलेस ऑक्स एंड लूज LED, मतलब LED लाइट डिजाइनिंग है। जब ये लाइट जलेगा तो इस जगह लाइट जलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं XBS1182FM कंपनी का, मतलब इसका ये क्या बोलते हैं मॉडल हो गया। उसके बगल में आप इस जगह देख सकते हैं ऑपरेटर ऑपरेशन मैनुअल, उसके बाद विथ TF फंक्शन, मतलब ब्लूटूथ फंक्शन, कार्ड कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम USB डेस्क। उसी के नीचे में आप देखते हैं कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम TF कार्ड। उसी के नीचे आप देख सकते हैं कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियो डिवाइस टारगेट लाइन इन केबल। उसी के नीचे में आप इस जगह देख सकते हैं विथ रिचार्जेबल बैटरी। उसी के नीचे में आप देख सकते हैं विथ FM रेडियो फ्रिक्वेंसी 87.5 108 MHz। उसी के मेड इन PRC। उसी के बाद दिया जाता है इसमें जो एसेसरीज दिया जाता है, 1 USB पावर सप्लीमेंट केबल, उसी के नीचे 1 LIN 3.5 स्ट्रो ऑडियो केबल विथ शोल्डर स्ट्रैप। ये कलर आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन एंड ब्लैक में है। इस जगह टिक मारा हुआ है और बॉक्स में इस जगह कुछ पूरा लॉन्ग साइज से यूज़ करने के लिए कुछ पढ़ने लिखने के लिए दिया गया है और बॉक्स में MRP या फिर प्राइस नहीं दिया गया है। लेकिन मैंने इसे कितने परचेस किया हूँ आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए बॉक्स करते हैं ओपन। चलिए बॉक्स खोल कर देखते हैं बॉक्स में क्या है, कैसा है हमारा स्पीकर। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे खोलते हैं, बॉक्स रखते हैं साइड में। कुछ काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन बॉक्स, ब्लैक रंग का ब्लैक बॉक्स टाइप देख सकते हैं। एक ये निकल जाता है हमारा टांगने के लिए, इसे रखते हैं साइड में इस जगह। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेन स्पीकर निकल जाता है, इसे रखते हैं साइड में। हमें एक ऑक्स केबल मिल जाता है और इसे अपने एडाप्टर से चार्ज कर सकते हैं। तो ये OTG केबल ले लिया जाता है, बस बॉक्स में इतना ही है और कोई भी बेसिक सा पेपर वर्क भी इसमें नहीं है। तो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट इसका। आप देख सकते हैं कुछ काफ़ी लंबा एंड मतलब आप इसे टांग भी सकते हैं, उसके लिए दिया गया है। चलिए इसे रखते हैं साइड में, जगह रखते हैं हम। सो ये एक OTG केबल दिया गया है अपने एडाप्टर से कनेक्ट करने की, एंड ये एक ऑक्स केबल। चलिए इसे भी रखते हैं साइड में। तो ये रहा हमारा स्पीकर फ्रेंड, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप इसका पिक्चर से देखें, जो मैंने क्लिक किया हुआ है आप उसे देखिए, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन लाइटिंग जो है वो काफ़ी सुंदर एंड ब्यूटीफुल है, उसके चलते पहले आप इसका पिक्चर देखें। आई होप आपको पिक्चर्स काफ़ी पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे बजा कर देखते हैं। सो चलिए इससे पहले हम अपने मोबाइल से करते हैं कनेक्ट, उसके बाद मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा मैंने कितने में इसे परचेस किया हूँ। चलिए इसे ऑन करते हैं, पहले हम इस जगह से हम करेंगे इसे ऑन। वेलकम टू आइसोनिक म्यूजिक वर्ल्ड। आप इस जगह देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में ये ऑन एंड ऑफ का बटन दिया है, उसके बगल में DC 5 वोल्ट, उसी के बगल में USB, उसी के बगल में चिप यानी TF कार्ड, उसी के बगल में एक ऑक्स केबल, उसी के बगल में एक बॉक्स दिया है। उसके नीचे में आप इस जगह देख सकते हैं प्लस माइनस, उसके बाद इस जगह आप देख सकते हैं माइनस दिया गया है, प्लस दिया गया है, उसके बाद पॉज दिया गया है एंड मल्टीमीडिया दिया गया है।
देख सकते हैं कुछ इस तरह का लाइट जो बॉक्स के अंदर जलता है, काफी प्रीमियम एंड काफी अच्छा दिखता है। सो चलिए इसे बजा कर देखते हैं। इसे हम करते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट। सो थोड़ा सा सर्चिंग में टाइम लेगा। सो देख सकते हैं इस जगह हमारा आ गया है। सो चलिए इसे करते हैं कनेक्ट। सो फ्रेंड्स ये हमारा मोबाइल से हो चुका है कनेक्ट। चलिए इसे बजा कर देखते हैं किसी गाने को, से हमें इसे साउंड क्वालिटी का पता चल जाएगा। सो चलिए इसे बजा कर देखते हैं हम। इस जगह से आप और कम बेसी कर सकते हैं साउंड। सो फ्रेंड्स आपको साउंड क्वालिटी के बारे में पता चल ही गया होगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी भी है वो भी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और इसका MRP तो बॉक्स में नहीं दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसे 720 रुपये में परचेज किया है। 720 रुपये में मुझे ये ब्लूटूथ का स्पीकर पड़ा है। सो 720 रुपये में काफ़ी अच्छा स्पीकर है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है, रॉ मटेरियल है और ये जो है मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है, इसे यूज किया जा सकता है। ये काफ़ी मजबूत है। अगर आप किसी रिटेलर शॉप या कहीं से भी इसे अगर परचेस करते हैं तो 720 रुपये से ज़्यादा ना दें, क्योंकि इसका रेट ही वही है। सो और ओवरऑल मैं अपना रिव्यू दूँ तो ये ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दिखने में लुक्स वाइज ब्रिलियंट, डिज़ाइन वाइज ब्रिलियंट एंड इसकी जो मटेरियल है वो भी ब्रिलियंट, मतलब काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स यही था, 720 रुपये में काफ़ी अच्छा स्पीकर मुझे दिया गया है, सोनी कंपनी का है। सो चलिए यही था आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।